सीरियल लव का इंतजार में काम करने वाले एक्ट्रेस सारा आफरीन ने घर में रखी इफ्तारी, जिसमें सारा ने इनवाइट किया यूमी और टीवी को। चलिए आपको भी लेकर चलते सारा के घर और करते हैं उनके साथ इफ्तारी। आज इफ्तार पर हमें दावत दी है सारा ने। सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूमी और टीवी। थैंक यू वेरी मच। ओके, रमजान की जैसे शुरुआत हो गई है, कैसे चल रहा है आपका रमजान, कैसे गुजर रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, हम शूट भी कर रहे हैं रमजान में, एंड हमारे घर में रमजान में इट्स लाइक अ पार्टी। सुबह के टाइम, सहरी के टाइम आई हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल, इफ्तार में आई हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल। हम शूट में इफ्तार सेलिब्रेट करते हैं, तो इट्स लाइक अ टुगेदरनेस, इट्स अ फीलिंग ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, एंड लाइक एवरीबडी इज अ फैमिली ड्यूरिंग दिस टाइम। बचपन की अगर बात करें तो कैसा बीतता था रमजान? रोजे रखती थी? टेल अस अबाउट द फर्स्ट रोजा जो आपने कभी रखा होगा, क्या क्या मेमोरीज है? ओके, बचपन का तो इट्स सी आई एम बाय बर्थ आई एम हिंदू, so my maiden family is Hindu, I have married into a Muslim family, so bachpan mein to there was no Ramzan. So Ramzan, mera first Ramzan tha, I think I started keeping much before marriage, I think 10 years ago or something was my first Ramzan, and I remember main London mein thi, aur jab London mein thi main apne maasis ke sath Selfridges mein, hum log ka own counter tha for makeup and hair, तो मैं देखती थी कि सब अभी फास्ट के लिए तैयार हो रहे थे वहां पे भी। इट्स अ बिग शॉपिंग मॉल, इट्स अ बिग कंसेशन स्टोर, एंड इफ्तार के लिए एक स्पेशल तैयारी होती थी इवन इन लंडन, विच इज ब्यूटिफुल। एंड आई यूज टू थिंक, बिकॉज आई डिडंट नो, आई डिडंट हैव मच नॉलेज, मुझे ऐसा लगता था जितना ज्यादा आई शुड बी हंग्री उतना ज्यादा मेरा डेडिकेशन होगा गॉड को। So even after the iftar time, even after breaking the fast, when people used to go to open their fast, I used to sit there thinking, no, I'll wait another 2 hours. Schedule काफी you know change हो जाता है रमजान में, सेहरी के लिए सुबह उठना होता है and all of that, कैसे manage होता है, कितना time लगता है you know to fix into this schedule sir? See, this is what my family follows. हम लोग सो के उठ के ये सब नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इफ्तार का जब टाइम होता है हम सब अपना इफ्तार खोल के सब अपना अपना प्रेस करके, तरावी करके, वट एवर वी हैव टू डू, आई गो टू द जिम आफ्टर दैट, एवरीबडी गोज टू द जिम, देन वी कम बैक, वी सिट टुगेदर, वी हैव डिनर, वी अगेन प्रे, एंड आफ्टर दैट होल नाइट वी आर अवेक, वी डोंट स्लीप एट ऑल। सो वेदर वी प्रे, वेदर वी सिट टुगेदर, ईट, यू नो, सो वी जस्ट डू दैट टिल सहरी। सो दैट्स वाई मेरे पास मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे लोग होते हैं सहरी के टाइम भी खोलेंगे, सहरी खोल के नमाज पढ़ के सुबह का, फिर लोग अपने अपने घर जाते हैं और फिर हम सोते हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ अपने प्रोड्यूसर से और अपने प्रोडक्शन से कि प्लीज मुझे 6-7 बजे का टाइम मत देना जब तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मेरा शूट एक्चुअली 6 बजे है, तो आई एम नॉट गोन स्लीप, बेसिकली फुल डे एम गोन बी शूटिंग। लेकिन नॉर्मली द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल आर वेरी गुड। राइट नाउ जो मैं शो कर रही हूँ लव का इंतजार, वो लोग ने भी बहुत अच्छे से बोला है कि ओके फाइन, यू कम बाय 11:30, सो दिस इज द थिंग कि कम से कम यू नो वो 2-3 घंटे जो सुबह का सोने मिलता है, आई डू दैट एंड देन गो टू द शूट। काफी अच्छा सा टेबल सजा हमें दिख रहा है सारा, हमें जानना है क्या कुछ पका है आज आपके घर में, तो लेट्स गो एंड सी। यस, तो बेसिकली घर पे जो बनाया है वो दही बड़ा है, सिंपली बिकॉज इट्स अ कूलिंग इफेक्ट, यू नो, सबसे पहले यू वॉन्ट समथिंग ठंडा समथिंग। फिर ये है चिकन नगेट्स, ओके, देन देयर इज वेजिटेबल चना, देयर इज वेज चना विथ टमाटोज एंड ऑल, देट वी हैव वॉटरमेलन एंड पपैया, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव इज डेट्स, खजूर, डेट्स की मिठाई, एंड ऑल्सो बेसन का लड्डू। Then we have grapes, then we have again chicken cutlets, then we have lamb kebabs, and then there's another style of dahi vada, just in case people don't want the gravy on top, it's just the simple one. Aur kafi acha to jo drink dikh raha hai, aapko pyaas kafi lagti hai ramzan ke mahine mein, aapke roza kya kahe? Okay, this is a special drink. So this is I keep it matching to my dress. No, this is a special drink. This is limbu pani with a little bit of ruabza. So yeah, this is interesting. It's nice, cooling effect, plus lemon bhi hai, gives you a lot of energy, plus a lot of people like ruabza, so a little bit of ruabza just to give it a bit of sweetness. Kafi delicious iftari thi, thank you so much Sara. Okay, pehle to kitna acha lagta hai, you know, puri family ek saath baith kar jab is tarike se iftari karti hai.
इट्स फैंटास्टिक क्योंकि यही एक मंथ होता है जहाँ पे एक वक्त होता है इफ्तार और सहरी का. यू कैन बी फाइव मिनट्स लेट, यू कैन बी फाइव मिनट्स अर्ली. तो बहुत अच्छा लगता है कि सब अच्छे बच्चों की तरह सब आके एक साथ बैठ के खाते हैं. एंड शूट पे भी बड़ा मजा आता है कि सब हमारे अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं कि ब्रेक किस टाइम देना है. तो सब बड़ा टेबल लगा के वी ऑर्गेनाइज ऑल द फूड, सब साथ में बैठते हैं, सब प्रे करते हैं. इवन हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, वी ऑल सिट टुगेदर इन आवर शूट, वी ऑल प्रे. And it's a fantastic feeling. Lastly, जो family members के अलावा एक बहुत cute सा मेहमान भी हमें देखने को मिला, हमें भी मिलाइए उनसे. So ये है बेबी पैप्लो. And इसे बिल्कुल पसंद नहीं अगर हम लोग सब वहाँ पे टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं और इसे लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं. He always wants to come together. Hi, Papu. Okay, so जाते जाते टू ऑल द व्यूअर्स रमजान पे कैसे यूटिलाइज करें, क्या कहना चाहेंगे टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ यूमियोति. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक रमजान में बहुत दुआ करें, लोगों के लिए दुआ करें, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए दुआ करें और बहुत लोगों को खाना खिलाएं, सवाब कमाएं. Other thing is have a lot of water because and don't after eating fast, I mean after breaking fast, I would advise not to eat a lot. सहरी में थोड़ा लाइट, इफ्तार के बाद थोड़ा लाइट बिकॉज वी आर नॉट कैमल्स. हम लोग फूड स्टोर तो नहीं कर सकते तो इट बिकम्स इवन वर्स, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है. सो जस्ट ईट नाइसली एंड अगर ज्यादा खाना है तो डिस्ट्रीब्यूट इट, फीड द पुअर, गो टू द ऑर्फनेज, यू नो आस्क देम टू डू दुआ फॉर यू. उनकी दुआ बहुत लगती है. सो जस्ट प्रे, हमारे लिए भी दुआ करें. थैंक यू सो मच सारा, हमसे थैंक यू. थैंक यू.